तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरीके का एक रील है जो इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है। तो इस तरीके का रील अगर आपको बनाना होगा, इस तरीके का वीडियो अगर आपको बनाना होगा, तो उसे आप कैसे बना सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगर इस तरीके का वीडियो अगर आपको बनाना होगा, तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर का एप्लीकेशन रहेगा उसमें जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन मैं अभी स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इसका लोगो VN लिखा हुआ है। तो प्ले स्टोर पे जाके आपको सिर्फ सर्च करना है VN, तो ये वाला एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सबसे पहले आप स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो प्लस के आइकॉन के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट करके लिखा हुआ ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, प्रीव्यू में वहाँ पे लिख के आता है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरीके का जो एक टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो ये टेम्पलेट आपको कहाँ पे मिलेगा, एक बार मैं आपको वो टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो ये वाला जो टेम्पलेट है, इसे आपको यूज़ करना है। तो ये वाला टेम्पलेट आपको मैंने रेडीमेड मतलब प्रोवाइड करूँगा, ये रेडीमेड मैंने आपको यहाँ पे बना के रखा है। तो ये टेम्पलेट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आपको टैप करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ओपन हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये जो टेम्पलेट है इसे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा, वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इस टेम्पलेट को सबसे पहले आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो भी बेस्ट फ्रेंड रहेगा उसके साथ आपका एक फ़ोटो रहेगा, तो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उस फोटो को सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो और फोटो का ऑप्शन है, तो फोटो के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अभी ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ऑल के ऑप्शन पे जाना है। और इसमें ऑल के ऑप्शन पे आप जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर्स है वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इसमें से जो भी फोल्डर में आपने वो फोटो रखा होगा उस फोल्डर को आपको यहाँ से ओपन करना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मेरा खुद का एक फ़ोटो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक्ट्रेस का एक फ़ोटो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जैसे विजय और रश्मिका का एक फ़ोटो है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको टेम्पलेट यूज़ करना है, उसके बाद एक फ़ोटो यहाँ पे आपको ऐड करना है, फ़ोटो सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे नीचे स्क्रीन के आपको एक फॉरवर्ड एरो दिखेगा ब्लू कलर का, उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ये जो टेम्पलेट है वो आ चुका है, उसके बाद एक फ़ोटो भी यहाँ पे आ चुका है। आपको अब भी करना क्या है, स्क्रीन के सेंटर में ऊपर के साइड में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। थोड़ा सा आपको राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक 9:16 का रेशो मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। और फिर से ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर टैप करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेशो में आपका ये जो टेम्पलेट है वो परफेक्टली बैठ जाएगा, क्योंकि वो रेशो के अकॉर्डिंग ये टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड फ़ोटो आपने सिलेक्ट किया है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों का फ़ोटो ठीक से दिख नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, इस फोटो का बार जो है उसे इस तरीके से टैप करना है, सिलेक्ट करना है, और ऊपर जाके आप ऐसे जो जैसे फ़ोटो को जूम करते हो उस तरीके से जूम करके दो इस फोटो को आप इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैप टू ऐड म्यूजिक, जहाँ पर मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है टैप टू ऐड म्यूजिक, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे एक म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर टैप करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो आपको यहाँ पे लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस लिस्ट में आपको बैकग्राउंड ऑडियो दिख जाएगा। अभी बैकग्राउंड ऑडियो को इस वीडियो में ऐड करने के लिए आप देख सकते हो हर एक ऑडियो के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन दिखा है लिखा हुआ दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें का जो फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम का उसे आपको 100 रख देना है, फेड इन के ऑप्शन को 0 रखना है, फेड आउट के ऑप्शन को 0 रखना है। इसके बाद नीचे एक सिंगल टिक मार के उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये आपका ऑडियो का बार है वो जहाँ पे एंड होता है, मतलब ऑडियो के बार को सिलेक्ट करना है और उसके एंड में जाना है, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे जाके आपको रुक जाना है।
इसके बाद जो नीचे आपने फोटो ऐड किया उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दिखेगी, तो इस फोटो का जो राइट हैंड साइड का अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपको येलो कलर की एक बॉर्डर दिखेगी, तो इसे आपको ड्रैग करके इस तरह के इस पॉइंट तक ड्रैग करके लेके आना है। इसके बाद लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको ऑप्शन दिखेगा, मतलब फोटो दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसे सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद आप देख सकते हो ये टेम्पलेट आपने सबसे पहले ऐड किया है, दूसरा फोटो ऐड किया है, उसके बीच में आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा छोटा सा, तो उसके ऊपर टैप करना है। और यहाँ पे आपको एक जूम इन जूम आउट, तो इसमें से दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जूम इन का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करने को आपको बोलूँगा, मतलब सजेस्ट करूँगा। तो जूम इन के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और नीचे एक सिंगल टिक मार्क है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। इसके बाद अगर आप इसे प्ले करके देखोगे तो ये परफेक्टली आपका बीट के अकॉर्डिंग ये जो रील है यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इसके बाद सिंपली लास्ट में आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर पे स्क्रीन के आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, जब तक ये यहाँ पे 100% हो नहीं जाता तब तक इस एप्लीकेशन को आपको मिनिमाइज या क्लोज नहीं करना है। 100% हो जाने के बाद नीचे आप देख सकते हो स्क्रीन के आपको एक सेव टू एल्बम का एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे टैप करोगे तो आपके मोबाइल की गैलरी में ये सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।